आप अल्लाह ताला के बारे में अच्छा गुमान अगर कर ही नहीं सकते, पहला अजाब तो अपने दिल को वैसे ही दे रहे हैं कि यार अल्लाह ताला ना मुझे नाकाम करना चाहता है ना उसे बिल्ला। ये बोलते नहीं है लेकिन दिल यही सोच रहा होता है यार जो काम स्टार्ट करता हूँ, कभी कोविड आ जाता है, कभी ये आ जाता है, कभी ये मसला होता है, मुझे लगता है मैं मेरी तकदीर में लिखा हुआ ही नहीं है। क्यों? सब ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी तो मैं खुश होऊंगा, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। ये शायरों ने सारी बात इसलिए की है, जो तुम्हारा पैशन, जो तुम्हारी ख्वाहिश दुनिया में पूरी, मांगो अल्लाह ताला से। कहते ना अगर कोई, अगर तुमने जो मांगा अल्लाह ताला से और उसमें अल्लाह ताला तुम्हें चाहता है कि तुम्हें इंतजार करो, तो इंतजार करना फिर बड़ी चीज का, फिर बड़ी चीज आएगी। कोई इंसान अना इंदा जन्नी अब्दी भी, हम अल्लाह ताला के बारे में सोचते क्या हैं? आप अल्लाह ताला के बारे में अच्छा गुमान अगर कर ही नहीं सकते, तो पहला अजाब तो अपने दिल को वैसे ही दे रहे हैं कि यार अल्लाह ताला ना मुझे नाकाम करना चाहता है ना उस बिल्ला। ये बोलते नहीं है लेकिन दिल यही सोच रहा होता है यार जो काम स्टार्ट करता हूँ, कभी कोविड आ जाता है, कभी ये आ जाता है, कभी ये मसला होता है, मुझे लगता है मैं मेरी तकदीर में लिखा हुआ ही नहीं है। क्यों? किसने बताया आपको? किस्मत में नहीं लिखा, तकदीर में ही लिखा। ये सारी बदगुमानियाँ हैं। और ये कहना कि गम से आज़ाद हो जाऊँ, फ्यूचर के खौफ से आज़ाद हो जाऊँ, तब ज़िंदगी खूबसूरत होगी, नो। ये खाली मूवीज़ में दिखाया जाता है और ये वहाँ का फसाद है सारा, कि मेरी लाइफ वैसी क्यों नहीं है जैसे ड्रामे में दिखाई है या उस मूवी के अंदर दिखाई है। माई लाइफ विल बी ब्यूटिफुल इफ माई ऑल डिज़ायर्स आर फुलफिल्ड। सब ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी तो मैं खुश होऊंगा, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। ये शायरों ने सारी बात इसलिए की है, गमगीन इसलिए थे। ये हम तो मानते हैं इस चीज़ को, कोई डिनाई थोड़ी ना करते हैं। ख्वाहिशें हज़ारों जितनी भी हो पूरी नहीं हो सकती सारी, जितनी हो रही हैं कर लो भाई, जो नहीं हो रही जन्नत ले लो, चाहत पैदा कर लो अपने दिल के अंदर, उम्मीद ले आओ कि अल्लाह ये पूरा नहीं हुआ इस दुनिया के अंदर, ये जन्नत में करा दी। जब भी वो साबिन आके पूछा मैं खेती बाड़ी करूँगा जन्नत में, उसने कहा हो जाएगी, इसलिए नहीं भाई। तुम जो तुम्हारा पैशन, जो तुम्हारी ख्वाहिश दुनिया में पूरी नहीं, मांगो अल्लाह ताला से। और ये बात समझो कि तुम्हारा ईमान है, तुम्हें अगर दुनिया में एक चीज़ नहीं मिली, वो तुम अगर आखिरत के अंदर जोड़ दोगे तो बल्कि आखिरत के अंदर तुम मोटिवेट हो जाओगे।